बुलेट में फ्यूल मीटर क्यों नहीं आते हैं और होटल के बेड पर हमेशा व्हाइट चादर ही क्यों दिए जाते हैं और कैसे आप अपने फोन में सिर्फ एक ट्रिक को लगाकर अपने फोन का 20% तक के बैटरी को बचा सकते हो, जानने के लिए बने रहना वीडियो में एंड तक। नंबर 16, अक्सर जब आप टाइपिंग करने बैठते हो तो उस समय आपने एक चीज जरूर गौर किया होगा कि ज्यादातर इमोजी पीले कलर के ही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल आपको बताते कि इमोजी के पीला होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि सबसे पहले पीला कलर बाकी कलर के मुकाबले काफी विजिबल होता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। और एक रिसर्च से पता किया गया है कि पीला कलर शांति का प्रतीक होता है, इसलिए इमोजी को पीला कलर ही दिया गया है। नंबर 15, अभी आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हो, आप देखना कि उसका कैमरा लेफ्ट या फिर बीच में होगा लेकिन राइट में नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल आपको बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने फोन को राइट साइड से पकड़ते हैं और फोन के राइट साइड में इनबिल्ट स्पीकर होता है, और सेकंड रीजन ये है कि अधिकतर लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं और अगर वो अपने फोन को राइट से पकड़कर फोटो खींचते हैं तो फोन का कैमरा छुप जाता है और फोटो नहीं आ पाता है, तो यही रीजन है कि फोन का कैमरा लेफ्ट में ही होता है। नंबर 14, अक्सर आपने हाईवे के बीच बने इस ब्लैक और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के पाथ को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल में इसका काम क्या है? दरअसल इनका काम ड्राइवर को साफ साफ व्यू दिखाना है, और अगर इसे ब्लैक या फिर किसी एक कलर में दिया जाता तो हो सकता है कि दिन में ज्यादा धूप होने के कारण इनका रिफ्लेक्शन ड्राइवर के आंखों पर पड़ता और उसे एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी सिचुएशन से बचने के लिए इन्हें ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया ताकि किसी भी समय ड्राइवर को इसका क्लियर व्यू दिख सके। नंबर 13, आपने बाइक तो चलाया ही होगा, फिर आपने ये भी देखा होगा कि आजकल के बाइक का हेडलैम्प पुराने बाइक के मुकाबले जलता ही रहता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में तो हमें लाइट का कोई जरूरत ही नहीं होता है। और आपको बता दें कि 2017 से पहले बाइक में लाइट ऑफ ऑन करने का स्विच आता था, लेकिन 2017 के बाद इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया क्योंकि सड़क पर आने वाले BS4 बाइक का लाइट नहीं जलने के कारण रोड एक्सीडेंट काफी होता था। और अब के BS6 बाइक में हमेशा लाइट जलने के कारण व्यक्ति को पहले ही पता लग जाता है कि कोई गाड़ी आ रहा है, और कंपनी को इस टेक्निक को अपनाने के बाद रोड एक्सीडेंट का मामला काफी हद तक कम हो गया। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ ही रहा है तो एक सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 12, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी भी छोटे छोटे बर्ताव पर रोना शुरू करते हो तब आप बीते हुए कुछ पुरानी बातों को याद करने लगते हो ताकि थोड़ा और रोया जाए। वैसे क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 11, एक बार केनी वेटर्स नाम के इस आदमी के ऊपर एक झूठा आरोप लगाकर उसको 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन इसके आगे जो हुआ उसे सुनकर आप थोड़ा देर के लिए शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि इस आदमी की एक छोटी बहन ने अपने भाई पर लगे झूठे मुकदमे को बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने वकील की पढ़ाई पूरा किया और वकील बनकर अपने भाई की बेगुनाही भी साबित कर दिया। अमेजिंग। नंबर 10, आपने एक ना एक बार होटल तो गया ही होगा, फिर आपने ये भी देखा होगा कि होटल के बेड पर ज्यादातर चादर सफेद ही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इनका एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि व्हाइट कलर हमारे मन और दिमाग को शांति महसूस करवाता है और हमारे शरीर को थकावट से काफी हद तक आराम दिलवाता है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री होकर अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। और 1990 में हुए एक रिसर्च से पता चला कि व्हाइट कलर हमें एक लग्जरी फील प्रोवाइड करता है। नंबर 9, ये फैक्ट थोड़ा फनी है जिसे सुनकर आपकी गर्लफ्रेंड तो आपसे भूलकर भी ब्रेकअप नहीं करेंगी। दरअसल ये बात है चीन के शंघाई शहर की, जहाँ एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, फिर क्या बॉयफ्रेंड ने जितना पैसा उन पर खर्च किया था सारा वापस मांग लिया, यहाँ तक कि उस लड़की के ऊपर खर्च किए गए पानी और चिप्स तक का भी पैसा वापस मांग लिया, और ये सब जोड़कर पूरे 7 लाख का बिल लड़की के हाथ थमा दिया। अब इसे सुनकर लड़की ब्रेकअप तो दूर, ब्रेकअप की बात भी नहीं लाएगी। नंबर 8, ये जो आपको वीडियो में जादूगर दिख रहा है, इन्होंने एक बार कोलकाता के बहुत ही बड़े विक्टोरिया मॉल को ही गायब कर दिया था, लेकिन इनसे पहले किसी भी जादूगर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये कैसे किया वो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, ये फैक्ट सुनकर आप थोड़ा देर के लिए शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि ये जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो ये है अमेरिका की रहने वाली नैन्सी क्रॉम्पटन ब्रॉस की, जो हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड नाम की बुक की एक राइटर है, जिन्होंने एक बुक लिखा था कि अपने पति की हत्या कैसे करें, लेकिन जब कोर्ट ने इनका पूरा बायोग्राफी चेक किया तब इन्होंने साल 2018 में अपने ही पति को मौत का घाट उतार दिया था, फिर कोर्ट ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। नंबर 6, टेक्नोलॉजी और बढ़ते रोड एक्सीडेंट के मामले से लगभग सभी गाड़ियों में एयरबैग आने लगे, जिसे देख लोगों को लगता है कि अब वो पूरी तरह सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एक सर्वे के अनुसार पता किया गया कि हर 22 क्रैश में से एयरबैग सिर्फ एक आदमी का ही जान बचा पाता है, और ये एयरबैग जितने स्पीड में खुलते हैं उतने स्पीड से ये डिफ्लेक्ट भी होने लगते हैं, और अगर उसके बावजूद भी आदमी के सर में झटका लगता है तो उनके बचने का चांस थोड़ा कम होगा। नंबर 5, ज्यादातर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके फोन का बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इस एक सेटिंग को करने के बाद मानो तो आपके फोन का बैटरी खत्म ही नहीं होगा। दरअसल कई बार हमारे फोन का वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन ही रह जाता है और हमें लगता है कि यह क्या ही कर सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि वाईफाई और ब्लूटूथ बैकग्राउंड में डेटा को स्कैन करते रहता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग पर जाना है और सर्च करना है स्कैनिंग, और इसके अंदर जाकर इन दोनों सेटिंग को ऑफ कर देना है, फिर आपके फोन का बैटरी ज्यादा देर तक चलेगा। नंबर 4, दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आज के मॉडर्न युग में कितने एक्सपेंसिव डिजाइन के कपड़े आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेन के एक डिजाइनर मैनल टोरेस ने एक ऐसे क्लोथ स्प्रे बनाया है जिसको बॉडी पर स्प्रे करते ही वो कुछ ही देर बाद एक पूरी तरह से कपड़ा का रूप ले लेता है जो एकदम रियल क्लोथ के जैसे दिखता है। नंबर 3, ये काफी
इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में बंधने वाले हो, यानी कोई नया रिलेशन शुरू करने वाले हो, और उसी रात आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी भूत के सपने आते हैं, तो आपको उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस कंडीशन में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हो तो भविष्य में आपको खतरा हो सकता है, और अगर आप फिर भी इन्हें बढ़ाते हो तो हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। नंबर 2, इस वीडियो को देखो कि कैसे ये बच्चा एक डॉल्फिन के साथ कितने अच्छे से मजे में फुटबॉल खेल रहा है, और आप देख सकते हो कि जब ये बॉल पानी में गिर जाता है तो कैसे डॉल्फिन इस बॉल को निकालकर बच्चे को दे देता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक जानवर कितना इंटेलिजेंट होता है। नंबर 1, आपने सभी गाड़ियों में फ्यूल मीटर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बुलेट में फ्यूल मीटर क्यों नहीं आता? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहले के बाइक आते थे तब उनमें फ्यूल मीटर होता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और सभी कंपनियों ने अपने अपने बाइक में फ्यूल मीटर देना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक बुलेट क्लासिक अपने आप में एक ब्रांड बन चुका था, और ये नहीं चाहते थे कि बुलेट में कोई चेंज करके अपना रेपुटेशन खराब करे। तो यार, अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बात पता चल गई है तो 1 सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और आप और अपनों का खूब सारा ध्यान रखो, और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।